वेल, अब तक आप जानते होंगे बुड मुआदी ऑल इन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल है फॉर स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग में। अगर आप सस्ता पार्ट लेना चाहते हैं किसी कॉम्पोनेंट मेकर से वो ले सकते हैं, महंगा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। हाँ जी, तो आज मैं चला रहा हूँ होंडा सिटी iVTEC, और iVTEC पेट्रोल के साथ साथ मैं चला रहा हूँ आज ऑटोमेटिक वर्जन गाड़ी का। अगर आप देखना चाहते हैं मेरा पूरा वीडियो रिव्यू जहाँ मैं बैठ के बताया था आपको कि गाड़ी में स्पेस कितना है, फीचर्स कैसे हैं, डिक्की कितनी बड़ी है, वो सब चीज़ें, तो उसका यहाँ पर पॉप आउट बटन पे आप दबा के देख सकते हैं उस वीडियो को, या फिर लिंक पे नीचे डाल दूंगा। अगर लिंक डालना भूल जाऊँ तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं उस वीडियो को डाल दूंगा। एनीवेज, बात करते हैं आज iVTEC इंजन की, साथ साथ में इस CVT गियरबॉक्स की। काफ़ी लोग आजकल पूछ रहे हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ियों में कौन सी गाड़ियाँ अच्छी और कौन सी लेनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड कार इन द ऑटोमेटिक सेगमेंट, और होंडा सिटी और CVT गियरबॉक्स से कैसी टेक्नोलॉजी है जो एक दूसरे के साथ अच्छे से मैच करती हैं, जेल करती हैं। अब इस गाड़ी का क्या खास है, वेल आप जानते होंगे कि 115 BHP का पेट्रोल इंजन है, 1.5 है VTEC इंजन है, जो कि बनाता है इसको काफ़ी रिस्पॉन्सिव इंजन, काफ़ी अच्छा इंजन इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, और रिफाइनमेंट भी इस इंजन की अच्छी है, बोथ व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम कोल्ड एंड ऑल्सो व्हेन यू ड्राइविंग इट हार्ड। और एक जो इस इंजन की बहुत ही अच्छी बात है वो ये है कि जितना आप इसे खींचते हैं ये रेड लाइन तक उतना ही जाता है, 6,000-6,500 तक भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, विदाउट साउंडिंग वेरी नॉइजी एंड विदाउट साउंडिंग वेरी इरिटेटिंग। तो क्या बनाता है iVTEC को अच्छा, वेल दी CVT गियरबॉक्स ऑन दिस कार वर्क्स वेरी वेल। आमतौर पे जो CVT गियरबॉक्स होते हैं ये बहुत रबर बैंड इफेक्ट देते हैं, इस गाड़ी में भी देता है क्योंकि वो नेचुरल टेंडेंसी है गियरबॉक्स की, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देता जितना कि आपको लगे कि मैं परेशान हो जाऊंगा या नॉइज़ ज़्यादा बढ़ेगी। इट्स क्वाइट वेल आइसोलेटेड इन टर्म्स ऑफ नॉइज लेवल्स, द कैबिन इज़ वेरी क्वाइट, हार्डली एनीथिंग एंटर्स द कैबिन इन टर्म्स ऑफ नॉइज़। हाँ, अगर बहुत गंदी रमल स्ट्रिप या बहुत गंदे गड्ढे आते हैं तो वहाँ पे एक दो जगह पे शायद इधर धड़ाए, बट ऐसा नहीं है कि आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और साथ ही साथ सीट कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल लग्जरी फैक्टर इन दिस कार इज ग्रेटली एनहांस्ड। साथ ही साथ आपको मिलते हैं पैल शिफ्टर्स बियॉन्ड द स्टीयरिंग व्हील, स्टेप अप टाइप ऑफ टॉक कन्वर्टर है ये, तो इसमें आप ऐसे जब यूज़ करेंगे तो इसके अंदर आप चेंज भी कर सकते हैं इसके ओवरऑल गियरिंग को, तो 7 तक जाता है ये, और स्पोर्ट मोड भी आता है, इससे कि परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, थोड़ी सी बढ़िया हो जाती है, ओवरऑल एफिशिएंसी थोड़ी सी डिप हो जाती है उस लेवल पे, लेकिन परफॉर्मेंस जो है और ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इंजन और गियरबॉक्स की ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर आपको ये भी मिलता है कि ऑप्शन कि आप गैस चेंज कर लें, फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से भी अच्छी गाड़ी है क्योंकि CVT टेक्नोलॉजी, तो CVT टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ जो होती हैं वो हमेशा ही फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा होती हैं टोल क्लच से या फिर टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्सेस से। तो इसमें भी आपको वो फैसिलिटी मिलती है कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आजकल 100 रुपये का ज़्यादा पेट्रोल के दाम हो रहे हैं, फ्यूल एफिशिएंसी होनी चाहिए। इस गाड़ी को मैंने पिछले हफ्ते 10 दिन से रखा है अपने पास और 10 दिन से चला रहा हूँ और करीब 400-500 किलोमीटर चला ली है। अब शहर में जब मैं चला रहा इस गाड़ी को तो मेरे को आराम से 12-13 की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रही है, और ये है ट्रैफिक के अंदर की एफिशिएंसी विद द AC ऑन, और 3 लोग गाड़ी में से रहे हैं मेरे साथ जब मैंने इस गाड़ी को चलाया है, तो हाईवे पर 16-17 तक ये आराम से आपको निकाल के दे देगी अगर 12-13 तक सिटी में निकाल रही है। और साथ ही साथ आपको हाईवे पर क्या अच्छा लगेगा वो ये है कि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। राइड कंफर्ट की अगर हम बात करें तो होंडा मेक्स द बेस्ट कार्स इन द ओवरऑल राइड डिपार्टमेंट, एंड द कंफर्ट रियली इज फिनोमिनल, सो इन ऑल दोज थिंग्स आई थिंक दिस कार डज इट्स जॉब क्वाइट वेल। ओवरऑल आई थिंक आई रियली एंजॉय ड्राइविंग दिस कार, और मैं देऊंगा ड्राइविंग विच में होंडा सिटी को CVT वर्जन में एक अच्छा स्कोर 92/100 में से। I think if you're in the market for an automatic car, you want a hassle-free car, you want Honda's trusted badge, you want a well-engineered car, you want something which definitely keeps you smiling, then this is a great package and you should definitely keep it on the top of your shortlist. Thodi si mehengi zarur hai apne rivals se, kuch rivals ke samne thodi mehengi zarur lagegi, lekin jo isme features milte hain, jo safety kit milti hai, jo comfort milta hai, jo class milti hai, uske hisab se iska price kafi justified hai, aur mujhe lagta hai ki aapko kharch karke is gaadi ko lena chahiye, aap hamesha khush rahenge is gaadi ke sath. तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भेजना, लाइक नहीं लगा आपको अच्छा तो अभी लाइक भेजना, और अगर आप अपना कोई भी सवाल का जवाब चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो मेरे को ज़रूर आप वहाँ पे लिखें, छोटे रखें अपने सवालों को, 8-10 पैराग्राफ के सवाल ना पूछें। आमतौर पर लोग मैसेज छोटे सवाल पूछते हैं उनका जवाब मैं जल्दी देता हूँ, पढ़ने में आसानी रहती है मेरे को, दिन में 30-40 मैसेज आते हैं तो ईजी रहता है मेरे को उनको जवाब देना, और फ्री है ये सारी सेवा, हम कुछ पैसा नहीं ले रहे इस चीज़ के लिए आपसे, तो
तो उस बात का भी ध्यान रखें. एनीवेज गाइस, इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड वांट योर क्वेश्चन आंसर्ड, फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड आई विल हेल्प यू बाय योर नेक्स्ट कार. सो बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग.